उसी को देंगे जो हाई रेजिमेंट का समर्थन करेगा, वरना मारेंगे चुपके चार। वोट उसी को देंगे जो हाई रेजिमेंट का समर्थन करेगा, वरना मारेंगे चुपके चार। वोट उसी को देंगे जो हाई रेजिमेंट का समर्थन करेगा, वरना मारेंगे चुपके चार। वोट उसी को देंगे जो हाई रेजिमेंट का समर्थन करेगा, वरना मारेंगे चुपके चार। सीएम ने नहीं किया समर्थन, हमसे मिले नहीं, हमें चुपका मार के भगा दिया। सीएम ने नहीं किया समर्थन, हमसे मिले नहीं, हमें चुपका मार के भगा दिया। सीएम ने नहीं किया समर्थन, हमसे मिले नहीं, हमें चुपका मार के भगा दिया। जो हमारी बात ही नहीं सुनते, हमारे हकीम नहीं सुनता, तो हम क्यों घुसण देंगे? हम उसी को वोट देंगे जो हमारी बात सुनेगा, हमारे समाज की बात सुनेगा। 10 मिनट सीएम मिल भी लेते क्या? 10 मिनट में हम दो मिनट ही मांग रहे थे, ज्ञापन सौंपना था, उसके बाद ठीक था। मिलने से इनकार कर रहे हैं तो वोट किस चीज की? वोट उसी को देंगे जो हाई रेजिमेंट का समर्थन करेगा, वरना मारेंगे जूते चार। जी सीएम ने नहीं किया समर्थन, नहीं किया, हमसे मिले नहीं, हमें धक्का मार के भगा दिया। मिलने नहीं दिया सीएम जी। लगातार सीएम खट्टर के विरोध में यह दूसरा वाक्या है जब पन्ना प्रमुख सम्मेलन के बाद में ग्रामीण भड़क उठे और हंगामा कर दिया। रेवाड़ी की कोचली विधानसभा में उस वक्त हंगामा देखने को मिला जब सीएम खट्टर पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करने के बाद वहां से बिना ज्ञापन लिए ही निकल गए। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि हम अहीर रेजिमेंट की मांग का ज्ञापन सीएम मनोहर लाल खट्टर को सौंपना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सबसे पहले यह कहकर के बैठाए रखा कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद आपकी मुलाकात सीएम साहब से करवा दी जाएगी, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद उन्हें मिलवाना तो दूर बल्कि धक्के मार के खदेड़ दिया गया। इसी को लेकर के आज ग्रामीण नाराज हो गए और बोले कि जो नेता अहीर रेजिमेंट बनवाने की बात करेगा हम उसी को वोट देंगे, वरना वोट मांगने वालों को ग्राम में जूते मार के बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और गाँव में न ही वोट के लिए मांगने के लिए घूमने दिया जाएगा। पलपल रेवाड़ी से महेंद्र भारती की विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण, गांव कौन सा है? गांव जाहिदपुर है। तो क्या समस्या होगी सारी? समस्या हमको सीएम से मिलने नहीं दिया गया साहब। क्यों? हम 4 बजे आकर बैठे थे, सीआईडी वो राजकुमार साहब थे, उन्होंने कहा मैं बाद में मिलवा दूंगा, लेकिन हमारे को मिलने नहीं दिया और पुलिस ने हमारे धक्के मारे जी। अब सीएम चुनाव के समय जनता से नहीं मिलता तो क्या हाल होगा पार्टी का भी? पार्टी का टेम जाएगी साहब जी, हम तो एक भी वोट नहीं देंगे बीजेपी को। गांव में लड़ाई लगी हुई है, भारी संख्या में प्रशासन था, अधिकारी थे, क्या आचार संहिता की धजे नहीं है? ये तो आचार संहिता का सरेआम उल्लंघन है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम कानून से बाहर कोई काम नहीं करते, और ये तो सरेआम आचार संहिता का उल्लंघन है। आज सत्ता सरकार का दुरुपयोग किया जा रहा है और सत्ता सरकार का दुरुपयोग करके इन्होंने जींद का उपचुनाव जीतने का काम किया है। सरकारी मशीनरी अभी थी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, अधिकारी भी थे, सभी अधिकारियों पर दबाव है जी। कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ कार्रवाई होनी चाहिए, हम इस पक्ष के, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए इस बात में। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, चुनाव आयोग का संज्ञान लेना चाहिए, मुख्यमंत्री को स्वयं इस बात पर गौर करना चाहिए। आगे उसके लिए सब बराबर है, सत्ता सरकार का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव लड़ाई करवाइए।